हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम वीडियोस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 3 अप्रैल 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ऑप्टिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाएगा। तो ये दोस्तों मनाया जाएगा 2 अप्रैल। अब ये वर्ल्ड ऑप्टिज्म अवेयरनेस डे मनाया क्यों जाता है? दोस्तों, ये ऑप्टिज्म एक के प्रकार की एक बीमारी होती है। अगर ये बीमारी किसी बच्चे को हो जाती है तो वो बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और उसका मस्तिष्क का विकास नहीं होता और समय समय पर उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ते रहते हैं और ये जीवन की शुरुआत के 3 सालों में इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो उन जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं उनको केयर करने अवेयर करने के लिए, यानी कि उनको भी ये बताने के लिए कि वो भी समाज का हिस्सा हैं, ये अवेयरनेस डे मनाया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों, भारत सरकार ने आरोग्यम सेतु ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को अलर्ट भेजेगा। यह ब्लूटूथ एल्गोरिदम और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित मिलता है तो स्वास्थ्य मंत्रालय उसका मोबाइल नंबर ऐप में अपडेट करेगा। फ़ोन में इंस्टॉल यह ऐप आसपास दूसरे ऐप को भी सर्च करता है। अगर इसमें से किसी संक्रमित व्यक्ति का फ़ोन मिला तो कुछ पैरामीटर्स के आधार पर यह जोखिम का आकलन करेगा और उस व्यक्ति को सूचित करेगा। दोस्तों, भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक ऐप और लॉन्च किया है जिसका नाम है कोरोना कवच, और ये ऐप कोरोना की जानकारी के लिए लाया था और ये ऐप अलग है और वो ऐप अलग है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम प्रज्ञा शुरू किया है? तो दोस्तों, ये शुरू किया है असम राज्य ने। असम के गुवाहाटी शहर से शुरू किया गया है। इसके थ्रू रेडियो के माध्यम से बच्चों को एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों, अभी लॉकडाउन है और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो इसलिए बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए असम सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। और असम के बारे में बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, G20 की वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों, ये G20 की वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है और अभी हाल ही में एक समिट हुआ था उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने की थी और वो बैठक 26 मार्च को हुई थी। वो बैठक अगस्त 2020 में होनी थी लेकिन COVID-19 के कारण से 26 मार्च को किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और सऊदी अरब के बारे में बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और इसके करेंसी है रियाल और इसके यहाँ के राजा हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर्स का सेवा विस्तार करने का फैसला लिया है? दोस्तों, ये सेवा विस्तार करने का फैसला राजस्थान सरकार ने लिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले ही राजस्थान के अंदर डॉक्टर्स की भारी कमी है और 31 मार्च को कुछ डॉक्टर्स रिटायर होने थे लेकिन COVID-19 के कारण इनको सेवा विस्तार दिया गया है। और दोस्तों, राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान की राजधानी है जयपुर और वहाँ के गवर्नर हैं कालराज मिश्र। अशोक गहलोत जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो दोस्तों, ये स्थगित कर दिया है 2022 तक।
ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप अगस्त 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण से अब 2022 में किया जाएगा। और अभी जो नई डेट्स हैं वो अभी आई नहीं है, ये चैम्पियनशिप कब होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? दोस्तों ये कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी फ़ोनपे ने लॉन्च की है। दोस्तों फ़ोनपे की बात करें तो फ़ोनपे की स्थापना 2015 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, राजधानी है। और इसके CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है समीर निगम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे किए हैं? हाल ही में भारत सरकार ने अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष चाइना के साथ पूरे किए हैं। और चाइना के बारे में बात करें तो चाइना की राजधानी है बीजिंग और वहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी और वहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। और दोस्तों जो ये कोविड-19 है यानी कोरोना वायरस है वो चाइना के ही वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन चाइना ने इसको पर काबू पा लिया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नासा ने सौर तूफान के अध्ययन हेतु सनराइज मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। जो नासा है ये सैटेलाइट अमेरिका की एक सैटेलाइट एजेंसी है जो स्पेस के ऊपर काम करती है, इसे नासा ने और सौर तूफान के अध्ययन हेतु सनराइज मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत की मौजूदा व्यापार नीति को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों जो भारत की फिलहाल जो व्यापार नीति है उसे भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया था और दोस्तों ये उस टाइम 5 वर्ष के लिए इसकी तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन फिलहाल कोविड-19 के कारण इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और हमारे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? वो है पीयूष गोयल और हमारे रेलवे मिनिस्टर भी पीयूष गोयल हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो बेल का आइकन दबा दें जिससे कि मेरी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।